हेलो दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी में। तो दोस्तों, दिल्ली पुलिस भर्ती 2019 ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया दोस्तों। अगर आप दोस्तों इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखें। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें ताकि उन्हें भी इस भर्ती के बारे में पता चल सके। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये नोटिस आया है, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ कांस्टेबल मेल फीमेल इन दिल्ली पुलिस। तो दोस्तों जो दिल्ली पुलिस की भर्ती है जिसमें मेल और फीमेल कांस्टेबल की ये भर्ती होने वाली है। तो दोस्तों इस नोटिफिकेशन को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले दोस्तों इसमें बात करें दोस्तों जो आपकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। तो दोस्तों इसमें दे रखा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन सीनियर सेकेंडरी पास फ्रॉम बोर्ड एट द टाइम ऑफ दी फिलिंग एप्लीकेशन। तो दोस्तों जो कैंडिडेट प्लस टू पास है यानी 12 पास है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से वो 12वीं पास है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें दोस्तों जो आपका रिक्वायरमेंट के बारे में दोस्तों बात करें, इसमें दे रखा है कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस टू LMV मोटरसाइकिल और कार फॉर दी पोस्ट ऑफ कॉन्स्टेबल मेल इन दिल्ली पुलिस एज ऑन दी डेट फॉर PAMT। तो दोस्तों अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास जो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए मोटरसाइकिल और कार का जो LMV ड्राइविंग लाइसेंस है। तो दोस्तों इसमें दे रखा है जो मेल इन दिल्ली पुलिस ऑन दी डेट ऑफ जो आपका जो फिजिकल टेस्ट होगा जो PMT टेस्ट होगा उसके लिए इन्होंने जो आपका जो मोटरसाइकिल और कार का जो ड्राइविंग लाइसेंस मांग रखा है वो होना चाहिए तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट बात करें दोस्तों एज की, तो दोस्तों आपकी एज लिमिट रहेगी 18 से 25 साल। जो भी कैंडिडेट 18 से 25 साल का है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। और इसमें दोस्तों जो 5 ईयर्स की जो छूट दे रखी है तो दोस्तों तो आप इसमें देख सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी को इसमें दे रखा अपडेट ए मिनिमम 5 ईयर्स ऑफ दी कैंडिडेट बिलोंग शेड्यूल कास्ट यानी जो ऐसी कैंडिडेट हैं उनको 5 साल की छूट मिल रही है यहाँ। यार नेक्स्ट बात करें दोस्तों इसमें जो OBC कैंडिडेट है यानी OBC कैटेगरी के उनको 3 साल की और ऐसी कैटेगरी को 5 साल की छूट मिल रही है। और दोस्तों नेक्स्ट बात करें इसमें दोस्तों डिफाइन ऑफ एक्स सर्विसमैन, तो दोस्तों जो एक्स सर्विसमैन है उनको भी यहाँ जो इसमें दे रखा आप पढ़ सकते हैं कि इसमें एक्स सर्विसमैन को भी कोटा मिल रहा है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों इसमें, तो दोस्तों इसमें दे रखा है जो आपकी जो हाइट होनी चाहिए वो दे रखा है मिनिमम 170 सेंटीमीटर जो आपकी हाइट होनी चाहिए फिजिकल के लिए दोस्तों इसमें दे रखा है मेल के लिए। और चेस्ट की बात करें दोस्तों मिनिमम 81 सेंटीमीटर और मैक्सिमम 85 सेंटीमीटर आपकी जो चेस्ट होनी चाहिए छाती होनी चाहिए तो इसमें। और नेक्स्ट दोस्तों इसमें जो आप फिजिकल की बात करें दोस्तों इसमें दे रखा है अपडेट 30 ईयर्स रेस आपकी 1600 मीटर होनी चाहिए, 6 मिनट में आप 1600 मीटर रेस अगर पूरी करते हैं तो उसके बाद आपका लॉन्ग जंप होगा 14 फीट और उसके बाद आपका हाई जंप। तो दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं कि पहले आपको रेस जो क्लियर करनी पड़ेगी उसके बाद आपका लॉन्ग जंप होगा उसके बाद हाई जंप। तो दोस्तों आप इसमें पढ़ सकते हैं पूरा इसको। और दोस्तों इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने पहले देख चुके हैं कि आप 12वीं पास होने चाहिए, एज लिमिट जो आपके 18 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए दोस्तों। और दोस्तों इसमें दे रखा है जो स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल मेजरमेंट फॉर फीमेल कॉन्स्टेबल के लिए दोस्तों जो हाइट होनी चाहिए जो फीमेल के लिए वो होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वो कैंडिडेट SC ST को जो 2 सेंटीमीटर की इसमें छूट है। और दोस्तों इसमें जो जो फिजिकल जो आपका टेस्ट होना है जो इसमें दे रखा है दोस्तों जो फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो दोस्तों इसमें दे रखा आप देख सकते हैं कि 1600 मीटर की रेस 8 मिनट में आप क्लियर होनी चाहिए आपकी, उसके बाद आपका लॉन्ग जंप होगा 10 फीट का, उसके बाद हाई जंप आपका 3 फीट का। तो दोस्तों ये है मेल और फीमेल जो कैंडिडेट के जो फिजिकल और क्वालिफिकेशन डिटेल। नेक्स्ट दोस्तों बात करें दोस्तों इसमें दे रखा है जो नेक्स्ट इसमें बात करते हैं, तो दोस्तों जो आपका
कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसमें दे रखा है जो पार्ट ए रीजनिंग, तो दोस्तों रीजनिंग में 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 नंबर के होंगे। पार्ट बी में दोस्तों जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स आएंगी, 50 क्वेश्चन होंगे और 50 नंबर के होंगे। नेक्स्ट आएगा पार्ट सी में आपके दोस्तों नंबरिकल एबिलिटी, तो दोस्तों जो नंबरिकल आएंगे वो आएंगे, 15 क्वेश्चन आएंगे और 15 नंबर के आएंगे। और पार्ट डी में दोस्तों कंप्यूटर फंडामेंटल, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, तो दोस्तों जो कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न आएंगे 10 मार्क्स के आएंगे और 10 क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों टोटल आपका जो क्वेश्चन आएंगे 100 आएंगे और 100 मार्क्स के होंगे। तो दोस्तों आपका इसमें टोटल जो एग्ज़ाम होगा 100 मार्क्स का होगा, जो आपका रिटर्न एग्ज़ाम होना है। और दोस्तों इस नोटिफिकेशन को और आगे पढ़ते हैं। दोस्तों ये दिल्ली पुलिस द्वारा जल्दी इसके फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई होने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों आप इसमें जो आपका एग्ज़ाम आप देख ही सकते हैं दोस्तों, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होना आपका 100 मार्क्स का होगा। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट इसमें दे रखा है क्वालिफाइंग, तो दोस्तों इसमें आप इस नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ सकते हैं। और दोस्तों जो बात करें इसकी जो वैकेंसी की, तो दोस्तों जल्दी इसके जो ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे तब आपको पता चल जाएगा इसमें कितने पदों पर ये भर्ती होगी। तो दोस्तों ये दिल्ली पुलिस द्वारा ये नोटिस जारी किया गया है, तो दोस्तों जल्दी दिल्ली पुलिस भर्ती होने वाली है। तो दोस्तों आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों साथ ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, ताकि उनको भी इस भर्ती के बारे में पता चल सके। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।